हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वी टी वी जी जी में आप सभी का वेलकम है। तो सुबह का हो रहे हैं 7:20 और 7:20 पे मैं अपने थोड़े बहुत कामों से हो गई फ्री, तो मैं आ गई हूँ आपके साथ ये ब्लॉग शूट करने। मैंने अपना जो भी होली का थोड़ा बहुत सामान बनाना था वो बना लिया, क्योंकि बच्चों को जब मैं बच्चे जब जगें तो मैं उनको फ्री मिलूँ, उन्हें फुल टाइम दूँ, इसीलिए ये मैंने पहले करा। और नहीं तो बच्चे रोते रहते हैं, हम काम में डटे रहते तो बच्चे रोते रहते तो ये अच्छा नहीं लगता। उसी के साथ साथ मैंने क्या करा ना, थोड़ा बहुत नाश्ते का भी बंदोबस्त कर लिया है। तो एवरीवन, आज मुझे बनाना था सेम और मटरी। तो सेम मटरी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया मैदा, और मैदे में डाल दिया अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार। और ये सब डालने के बाद ही मैंने कढ़ाई जलाई, कढ़ाई रखी और उसमें ऑयल गर्म करा। जब मेरा रिफाइंड अच्छे से गर्म हो गया तब मैंने उसे मैदे में डाल दिया। और मैदे में डालने के बाद मैदे को तेल को इसके एक एक में एकदम मिलाकर इस तरह मुट्ठी से जब बन रहा था तब इसको मैंने पानी डाल के मल लिया। और आटा मैंने दो तरह के मला है, एक मैंने बगैर मेथी डाल के मला है और एक मैंने मेथी डाल के मला है। जो मेथी डाल के मला है वो है मटरी के लिए, और जो बगैर मेथी डाल के मला है वो है मटरी के लिए, सेम के लिए। तो यहाँ पर सेम कुछ इस तरह से मैंने हाथों से ही बनाई है, और कुछ नहीं, बस आसानी से बन जाएगी। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो चाकू से, और बगैर चेंज के भी बना सकते हो, जो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने इसे छोटे छोटे स्वॉल्स बना लिए हाथ से ही, और हमारा अच्छे से ऑयल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम बॉइल्स सारे बना के रख लेते हैं, ठीक है। अब ये बॉइल्स हमारे सारे बन गए हैं थोड़े थोड़े करके, अब इसको हम कढ़ाई में छोड़ देंगे। और कढ़ाई में छोड़ेंगे जब तेल अच्छे से हो जाएगा, जब ही नहीं तो, अगर थोड़े तेल आप अच्छे से नहीं हुआ तो ये कच्चे रह जाएंगे, अच्छे से भुनेंगे नहीं। इसलिए तेल एकदम खौलता हुआ है, और हमने खौलते हुए तेल में इसको मटरी को डाल दी। डालने के बाद कलछी से बार बार चलाते रहेंगे ताकि एक तरफ के लिए जले नहीं। और ये मेरा होली का वीडियो आ रहा है आपके लिए बहुत दिनों के बाद। और अगर ये वीडियो पसंद आ जाए ना तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसके साथ ये देखिए मटरी हमारी अच्छे से बन गई हैं, अच्छे से बन गई हैं, फ्राई हो गई हैं। तो अब इनको हम थोड़ी सी हल्की हल्की आँच करके फिर से अभी थोड़ा सा देर सेकेंगे। तो ये भी हो गई हैं। अब सेम आप यहाँ पे मटरी तो बन गई, मटरी के बाद हमें बनानी है कुछ और भी। तो कुछ और जो बनाने जा रही हूँ वो मैं कैसे बना रही हूँ, किस तरह से बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या करा ना, एक सूप लिया, सूप के ऊपर रखा मैदा, और मैंने कुछ इस तरह से इसको प्रेस कर दिया। तो देखिए इस तरह से टाइट करके प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये बन जाएगी एकदम। तो इसी तरह से आपको बार बार करना है, इसे बिल्कुल टाइट प्रेस करना है आटे को। और जब टाइट प्रेस करोगे तो ये इस तरह से फोल्ड होके डिजाइन आपकी अच्छे से बन जाएगी। तो इस तरह से हम आपको जितना बनाना है उतना बना लीजिए। उसके बाद ये बन गए और हमने डाल दी कढ़ाई में। और इधर मैंने सेम को भी कटिंग कर लिया, छोटी छोटी सेम मैंने बनाई है यहाँ पर। और सेम को कटिंग करने के बाद मैंने ऑयल में डाल दी, और इनको भी हल्की आँच में फ्राई कर लेंगे। तो मटरी निकालने के बाद हमने यहाँ पे जो हमने सूप की डिज़ाइन वाला बनाया था अब मैंने इसमें वो डाल दिए, और उसे इस तरह से डालने के बाद बस धीरे धीरे चलाते रहना है। और ये ना बहुत जल्दी हो जाती है, अगर इकट्ठे डालेंगे आप तो थोड़ा सा टाइम लेंगे, अगर हम दो चार डालेंगे तो इतनी जल्दी हो जाती है, बस पलक झपकाई और ये होके तैयार हो जाएंगे कढ़ाई में। तो इसीलिए हल्की आँच पे करके और हमें धीरे धीरे बनने अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने बनाई है छोटी मटरी कुछ इस तरह की, ये ट्रे में रखते हुए बाउल्स में अच्छी लगती है। और ये बनाई है बड़ी, ये बड़ी सी चौड़ी चौड़ी बनाई इस तरह की। और यहाँ पे ये मैंने सूप की डिज़ाइन से बनाया है, और ये बनाई है मैंने मटरी। तो गाइस, मैं सुबह उठी थी 5 बजे, और 5 बजे उठ के अब टाइम हो रहा है, जो लाइट चलाऊंगी तो बच्चे देख लेंगे, दिखाती हूँ आपको। तो अब टाइम हो रहा है 7:20, और 7:20 मैंने अपना जो भी होली का थोड़ा बहुत सामान बनाना था वो बना लिया, क्योंकि बच्चों को जब मैं बच्चे जब जगें तो मैं उनको फ्री मिलूँ, उन्हें फुल टाइम दूँ, इसीलिए ये मैंने पहले करा। और नहीं तो बच्चे रोते रहते हैं, हम काम में डटे रहते तो बच्चे रोते रहते तो ये अच्छा नहीं लगता। उसी के साथ साथ मैंने क्या करा ना, थोड़ा बहुत नाश्ते का भी बंदोबस्त कर लिया इसमें मैंने। और यहाँ पर मैंने ये
आज मैंने भगोने में दाल बनने रखी। कुकर में ना दाल बहुत ज़्यादा ही वैसी हो जाती, क्या कहते हैं उसे, एकदम उसका दाना दाना ही पिस जाता। तो मैंने इस तरह से दाल आज बनाई है। और मैंने नाश्ते के लिए आज क्या तैयारी करी है वो भी आप लोग को दिखा दूँ। आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ जवे। तो मैंने जवे के लिए यहाँ पे पत्ता गोभी और प्याज और शिमला मिर्च ये चीज़ें काट के रखी हैं, और धनिया हरी मिर्च हम बाद में काट लेंगे। और मैंने जो बनाया है वो भी दिखा देती हूँ। और आज हमने बनाया है ये, इसको बनाते सूप की डिज़ाइन से जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अभी मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा होने के बाद मैं इसे एक बर्तन में, और मैंने छोटे छोटे शंकर पारे कुछ इस तरह से बनाए हैं, और कुछ बड़े भी बनाए हैं, और कुछ मटरी भी बनाई है। तो ये 1 2 3 4, तो 4 तरह का मैंने सुबह सुबह सामान बनाया है। सुबह मतलब 5 बजे उठ के 7 बजे तक फ्री होने के लिए ये काम मेरा हो गया। ठीक है, मैंने कहा उसी के साथ मैं इतना काम और कर लूँ। अब मैं और नहाई नहीं थी मैं सुबह, नहाने से पहले मैंने इतना करा, नहाने के बाद कहीं बच्चे नहीं उठ जाए, जबकि वो 2 बार उठा भी था बीच में बच्चा मेरा, उसे सुलाया, सुलाने के बाद फिर आ गई अपने काम पर। तो ठीक है, अब ये सब होने के बाद पहले हम बर्तन साफ करते हैं, फिर मैं नहाना शुरू करूँगी। तो गाइस, मेरे नहाने से पहले खाली मैं बर्तन भी नहीं साफ कर पाई थी, बर्तन अभी साफ करके मैं हटी हूँ, देखो पानी पड़ा है यहाँ पर। और ये दोनों के दोनों ही उठ गए, पहले ये उठा ये बंदर, फिर इसने अपनी दीदी को उठाया, बस ऐसे करके दोनों उठे हैं। और मैंने ना कटोरी मैंने खाने पीने को दिया था, तो इनने क्या करा है दिखाऊं जरा पास से। ऐसा हाल करके रखा है बिस्तर, तो रोज के रोज ये बच्चे दोनों ही गंदे करते हैं। ये देखो कैसे रो रहा है फोन देखकर, इधर आओ। और सबसे ज्यादा शैतान तो ये हो गया है, पहले यानू थी सबसे ज्यादा शैतान, अब ये है सबसे ज्यादा शैतान। यानू किधर हो आप, इधर आओ। ये देखो ये दोनों बच्चे लो, ठीक है, मुझे नहाने नहीं दोगे आप दोनों? ना, अब ऐसे मुंह हाथ धो लो। अच्छा, पूजा कौन करेगा? क्यूट दोनों है। पा तुम नहीं करोगे? पा मम्मा को, ए मम्मा को खाएगा, पा कहाँ करेगा? देखो पा कर दो, देखो पा कर दो। हेलो बोलो, हेलो बोलो। नहाने वाले लगा दी मशीन में कपड़े, और माता रानी मैंने पूजा भी कर ली, पूजा पूजा करने दिया भी, शांत हुए, काफी देर हो गई है। जो को एक को तैयार कर दिया, एक को तैयार करना है अभी। फिर उसके बाद आ गए हम इधर किचन में, और किचन में बराबर मैंने इसमें जो तेल जाता था उसे निकाल दिया, और इधर मैंने वेजिटेबल्स पहले ही कट करके रखी हैं, और इधर जवे हैं। तो चलिए पहले जवे करते हैं फ्राई, उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं आज का नाश्ता। तो जो ऑयल था ना, उसी ऑयल में मैंने प्याज पहले डाल दिया, प्याज को थोड़ा रोस्ट करा, हल्का सा ही रोस्ट करा, गोल्डन ब्राउन तक की हल्का सा। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए ये पत्ता गोभी, और साथ में पत्ता गोभी के साथ में शिमला मिर्च, ये सब को डालने के बाद हल्की सी इसको रोस्ट करा, और हमने जवे डाल दिए ऊपर से। तो अब ना इसी में इसी तरह से हमें जवे फ्राई कर लेने हैं, और जवे को अलग से नहीं करने होंगे। बस इसमें जो हमारी सब्जियां हैं वो भी अच्छे से हो जाएंगी, पक जाएंगी, और जो हमारे जवे हैं जो हमें अलग से फ्राई करने होते हैं वो साथ में ही फ्राई हो जाएंगे। तो बस अब थोड़ी देर आप देखते रहिए किस तरह से ये कढ़ाई में ही दोनों चीज़ डबल फायदा हो जाएगा, और टाइम भी बच जाएगा। तो देखिए कुछ देर बाद हमने देखे तो हमारे जवे फ्राई हो चुके थे अच्छे से। बस इसको चलाते रहना, आपको थोड़ी देर बराबर चलाते रहना है, चलाते रहना है। नहाने बात आई थी किचन में, तो ये मैंने ट्राई कर लिया, अब बनाने शुरुआत करते क्योंकि टाइम वैसे भी बहुत हो रहा था, बच्चा बीच में ही जग गया था। इसलिए अब देखिए एक तरह मैंने चाय भी रख दी, चाय में मैंने चीनी पत्ती। और एक बात और कहनी थी, मेरा वीडियो से ना बहुत दिनों के बाद इसलिए आया है क्योंकि मेरा फ़ोन ना ख़राब हो जाता है बार बार, इतना शायद किसी का ही फ़ोन ख़राब होता हो जितना मेरा ख़राब होता है। और तो फ़ोन संभल गया, फ़ोन संभलने के बाद चलो मैंने कहा। तो ना इसमें मैंने जो सब्जियां डाली बहुत कम डाली हैं, मतलब जो भी घर में सब्जी थी मैंने वो डाली हैं, और अदरवाइज़ आपको जो सब्जियां मिलती हैं जितनी भी सारी आप सब डाल लीजिए, यानी कि आप टमाटर वगैरह, और टमाटर भी डाल सकते हो इसमें, साथ में जो सोयाबीन होती है उसको भी डाल सकते हो। आप जो आपका मन करे ना वो सब्जियाँ डालो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। जितने ज़्यादा वेजिटेबल्स होंगे उतनी ही ये जवे वगैरह, ये मैगी हो गई, मैगी जवे
और मैक्रोनी उतनी ही टेस्टी बनती है जितनी हम वेजिटेबल्स डाल देते हो, मटर वगैरह जो भी हम डालो। और हमारे यहाँ ना फ्राइडे फ्राइडे बाज़ार होती है, तो फ्राइडे आने वाला है, फ्राइडे निकल भी गया है और बाज़ार नहीं हुई इसलिए सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं, इसीलिए मैं नहीं डाली हैं। और यहाँ पे चलिए अब हमारे चावी बनके तैयार होने वाले हैं, आपको दिखाती हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए जैसे हम चावी अलग से फ्राई करते हैं ना उस तरह से, देखिए अच्छे से फ्राई हो गए। और फ्राई होने के बाद इसमें हल्दी मिर्च नमक हमने सब कुछ मिला दिया, और सब कुछ मिलाने के बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा पानी लगाया, और पानी लगा के इसमें अब पानी डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मैगी मसाला डाल दिया है, जो मैजिक मैगी मसाला आता है वो डाल दिया, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप इसमें खट्टा कुछ डालना चाहते हो जैसे कि नींबू वगैरह हो, अगर आप थोड़ा सा खट्टापन इसमें लाना चाहते हो तो डालना मसाला, या तो मैंने यहाँ पे स्किप करा इसमें चाट मसाला डाल दिया, आज मैंने इसे अलग हमने यहाँ पे कोई चीज नहीं डाली है तो मैंने उसको स्किप कर दिया। और इसको अगर आप चाहते हो तो इसमें टमाटर भी स्किप करा, और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा बढ़ा कर अब इसको हम सब्सक्राइब भी करना, बन के तैयार है। तो हमारे तो हमने देखा कुछ देर के बाद तो इस तरह से देखिए हमारे चावल बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं एकदम बढ़िया से। और इसे एक प्लेट में निकालते हैं, प्लेट में निकाल कर और टेस्ट करके आपको बताते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो लग ही रहे हैं देखने में, अब खा के भी पता चलेगा कैसे बनी है। बस इसमें मैंने धनिया वगैरह नहीं डाला, मतलब जो जो सब्जी नहीं है घर में वो नहीं डाला है, ये ऐसा है बस। देखो आ जाइए ना।